Welcome viewers. Now we are to add halogen acid to an alkyne. Addition of halogen acid to an alkyne, we can add halogen acid to an alkyne and get dihaloalkane. अगर हम देखें तो पहली एडिशन जो है वो उसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा. आप जहाँ पे मर्जी हैलोजन दे दो और जहाँ पे मर्जी हाइड्रोजन दे दो. एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की हम बात कर रहे हैं जिसका फार्मूला है HX. यहाँ पे X से मुराद हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, जबकि हमने सिर्फ HCl और HBr को ऐड करना है इस ट्रिपल बॉन्ड पे. पहली एडिशन जो है बिल्कुल आज़ादाना तौर पे आप जिधर मर्जी हाइड्रोजन दे दो और जिधर मर्जी क्लोरीन दे दो. हमने इस कार्बन पे क्लोरीन ऐड किया और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है. लेकिन दूसरी एडिशन हम आज़ादाना तौर पे नहीं कर सकते. आप देखो, अब ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl है. अब के बार हम जो हैलोजन एसिड या HCl ऐड करेंगे तो वो मार्कानिकोव रूल के मुताबिक होगी. मार्कानिकोव रूल के मुताबिक होगी, क्यों? अगर आप इसको यहाँ से डाइसेक्ट करो तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है. और रिएजेंट अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कैसे ऐड होता है? आप देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन हमने ये वाला ऐड करना है. आप यू कर लें, नेगेटिव पार्ट गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. एक देखो, ये क्लोरीन हमने इधर डाउन साइड लगाया, ये अप साइड लगा दो. दिस इज आर डाई हेलो अल्केन, या यू कैन से 1,1 डाई क्लोरो इथेन. इसका नाम क्या है? 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है. तो पहली एडिशन आज़ादाना तौर पे, लेकिन दूसरी एडिशन असेंशली मार्कानिकोव रूल को फॉलो करते हुए होगी. तो ये है हमारी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. इसी तरह अगर आपके पास प्रोपाइन है तो आप हैलोजन एसिड इस पे ऐड करो. आपके बार मैं HBr ले लेता हूँ, HBr की एडिशन. अब हम पहली एडिशन पे ही फ्री नहीं है, वी आर नॉट फ्री कि हम जिधर मर्जी H दे दें और जिधर मर्जी हैलोजन दे दें. अब देखो, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. आप यहाँ से इसको बाइसेक्ट करो, काटो इसको, तो अनसिमेट्रिकल है, ये अनइक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है और ये भी अनसिमेट्रिकल. अब इसमें रूल पहले नंबर पे ही हम पहले स्टेप पे ही रूल फॉलो करवा रहे हैं, दैट इज मार्कानिकोव रूल. तो इसका प्रोडक्ट देखो, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अब देखो, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड ब्रोमीन ऐड किया, सॉरी फॉर दैट. नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लगा दिया. अब इस पे अगली एडिशन होगी किस तरह से, आपको पता है, HBr की एडिशन. अगेन नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो प्रोडक्ट मैं इसका नीचे लिख रहा हूँ, CH3Cl और सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्लोरीन मैंने लगा दिया, ब्रोमीन लगाना था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे H लगाना था, ठीक है. एडिशन हुई थी H की यहाँ पे. अब सेकेंड HBr की एडिशन जो है, दैट शुड भी एक ब्रोमीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा ब्रोमीन भी इसी पे ही जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा. दूसरी एडिशन भी हमारी, यहाँ पहली भी मार्कानिकोव एडिशन हुई और दूसरी एडिशन भी हमारी मार्कानिकोव रूल के मुताबिक हुई, ठीक है. तो ये थी हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन
टू एन एसिड हाइड्रोजन हैलाइड रादर या हैलोजन एसिड, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज हाइड्रो हैलोजिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.